सही है कि तेजस्वी मैच देखने के लिए लंदन में? बिल्कुल गलत बात, उन्होंने शायद लगा के बोला था रघुवंश बाबू ने शायद, और उस शायद को हम गुम कर गए और हमने नई व्यवस्था पैदा कर दी है, सब बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि तेजस्वी को बाहर आना चाहिए और मोर्चा संभालना चाहिए, बताना चाहिए कि एक 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 बात जान लीजिए, अगर हमारा दल, मैं बयान दे रहा हूँ, मैं सक्रिय हूँ, वहाँ के हमारे लोग शिविर लगा रहे हैं, तो उसके पीछे क्या है? सामूहिक नेतृत्व की भावना नहीं है? तेजस्वी जी ये नहीं कर रहे हैं। मैं तो सीधे तौर पे मानता हूँ कि अगर तेजस्वी जी मुजफ्फरपुर में जाकर के अभी अगर प्रदर्शन करें ना, तो मेरे पत्रकार मित्र कहेंगे देखो राजद का बड़ा नेता सियासत कर रहा है लाशों पर। एक आखिरी सवाल है, कहाँ तेजस्वी जी? दिल्ली में है। एक नेता जिसने 3 महीने सुबह से लेकर रात तक मेहनत की हो, 275 सभाएं की हो, क्या उसको इतना स्पेस नहीं मिलना चाहिए कि छूटे बड़े हुए कामों को वो पूरा कर सके? सरकार जिम्मेदार है, दूसरा कौन जिम्मेदार है? ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? इसलिए कि यह कोई आकस्मिक नहीं है। 15-20 वर्षों से इस बीमारी से हर साल बच्चे मर रहे हैं, हर साल विशेषज्ञ आ रहे हैं, देसी विदेशी विशेषज्ञ। 15-20 वर्षों में यह पता नहीं चला कि यह बीमारी क्या है, क्यों हो रहा है। कोई कुछ कोई बोलेगा लीची से हो गया, तो कोई कहा लू लग गया, कोई कहा हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, कोई कुछ बोलते रहते हैं विशेषज्ञ और सब लोग। तो अभी तक पता नहीं चला इस सरकार की कितनी विफलता है। बेसिक अस्पताल में कुछ नहीं है, अस्पताल नरक है। मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल SKMCH नरक है। नहीं तो लड़का सब वाला ना साफ कर दिया है। उसे अस्पताल में कोई घूम कर देखे, नाक बंद किए हुए बिना, नाक में गमछी रुमाल लगाए बिना कोई घूम सकता? वहाँ बेड नहीं है, कहीं पंखा नहीं है, पानी नहीं है, वो अस्पताल है। सही है कि तेजस्वी मैच देखने के लिए लंदन में? बिल्कुल गलत बात, उन्होंने शायद लगा के बोला था रघुवंश बाबू ने शायद, और उस शायद को हम गुम कर गए और हमने नई व्यवस्था पैदा कर दी है, सब बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि तेजस्वी को बाहर आना चाहिए और मोर्चा संभालना चाहिए, बताना चाहिए कि एक बात जान लीजिए, अगर हमारा दल, मैं बयान दे रहा हूँ, मैं सक्रिय हूँ, वहाँ के हमारे लोग शिविर लगा रहे हैं, तो उसके पीछे क्या है? सामूहिक नेतृत्व की भावना नहीं है? तेजस्वी जी ये नहीं कर रहे हैं। मैं तो सीधे तौर पे मानता हूँ कि अगर तेजस्वी जी मुजफ्फरपुर में जाकर के अभी अगर प्रदर्शन करें ना, तो मेरे पत्रकार मित्र कहेंगे देखो राजद का बड़ा नेता सियासत कर रहा है लाशों पर। एक आखिरी सवाल है, कहाँ तेजस्वी जी? दिल्ली में है। एक नेता जिसने 3 महीने सुबह से लेकर रात तक मेहनत की हो, 275 सभाएं की हो, क्या उसको इतना स्पेस नहीं मिलना चाहिए कि छूटे हुए कामों को वो पूरा कर सके?
गरीब बच्चे की मौत होगी, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार जिम्मेदार है, दूसरा कौन जिम्मेदार है, ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? इसलिए कि यह कोई आकस्मिक नहीं है। 15-20 वर्षों से इस बीमारी से हर साल बच्चे मर रहे हैं, हर साल विशेषज्ञ आ रहे हैं, देसी विदेशी विशेषज्ञ। 15-20 वर्षों में यह पता नहीं चला कि ये बीमारी क्या है, क्यों हो रहा है। कोई कुछ कोई बोलेगा लीची से हो गया, तो कोई कहा लू लग गया, कोई कहा हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, कोई कुछ बोलते रहते हैं विशेषज्ञ और सब लोग। तो अभी तक पता नहीं चला इस सरकार की कितनी विफलता है। बेसिक अस्पताल में कुछ नहीं है, अस्पताल नरक है। मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल SKMCH नरक है। नहीं तो लड़का सब वाला ना साफ कर दिया है। सौंसे अस्पताल में कोई घूम कर देखे, नाक बंद किए हुए बिना, नाक में गमछी रुमाल लगाए बिना कोई घूम सकता? वहाँ बेड नहीं है, कहीं पंखा नहीं है, पानी नहीं है, वो अस्पताल है। Thank you.